नमस्कार, स्वागत है आपका खिलाड़ी नंबर वन में। और इस हफ्ते के हमारे जो खिलाड़ी, मैं पहले उनका नाम आपको बता दूं, आपको परिचय करा दूं। निर्मल बैंक के विकास सालुंखे हमारे साथ हैं, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत हैं और साथ ही वेव स्ट्रेटजी के आशीष त्याल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त बाजार पर एक नज़र डालिए आप, बैंक निफ्टी में बहुत ही स्मार्ट रिकवरी दिख रही है। बैंक निफ्टी सिर्फ 90 पॉइंट्स रेड में है और निफ्टी हालांकि 60 पॉइंट पिछले 10-15 मिनट से स्टैटिक है। तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है सुबह से और वहां पे अच्छी हो रही है, एडवांस डिक्लाइन लगातार स्ट्रांग बना हुआ है। तो इस फ्रेमवर्क के बीच में हमारे खिलाड़ियों को प्रदर्शन करना है तो उस हिसाब से करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं देखता हूँ कल का रिटर्न क्या था। तीनों हमारे जो खिलाड़ी है, इन्होंने कल जो अपनी टीम बनाई थी, जो अपने पोर्टफोलियो रखे थे, उसमें किस तरीके से इनके रिटर्न आए, जरा रिटर्न दिखाइए तीनों हमारे खिलाड़ियों के। ये देखिए, इसमें विकास ने 5.55% का रिटर्न कमाया, प्रशांत ने 2.77% का और आशीष क्याल का फ्लैट आप कह सकते हैं प्रदर्शन। बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये कल तक का इनका रिटर्न था। चलिए अब हमारे खिलाड़ियों से, मेहमान से बातचीत कराइए और हम उनसे अब समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो मार्केट एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजिशन में खड़ा हुआ है, उसको कैसे रीड करते हैं। प्रशांत, आपको कैसा लग रहा है बाजार? जी गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों का नमस्कार। तो मुझे लग रहा है कि हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट कर ली है जो कि करीबन 16,250-60 तक जाके आई है। अब मेरे लिए अहम होगा कि जब हम 16,300 के ऊपर क्लोज हो तभी ही मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग मार्केट में आएगी। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तब तक हम कंसोलिडेट कर रहे हैं और वो रेंज होगी करीबन 16,000 से लेके 16,250। और इस रेंज में मेरी सलाह ये बहुत होगी कि ऑप्शंस बाइंग अवॉइड करिए क्योंकि दोनों तरफ के प्रीमियम इरोड होंगे। जब तक डिसीजन ना आए, या तो 16,000 का ब्रेक हो जाए या फिर 16,300 के ऊपर हम क्लोज हो जाए तभी हमें लग रहा है कि मोमेंटम आएगा। तब तक एक रेंज बाउंड मूव मुझे निफ्टी पे लग रही है और बैंक निफ्टी मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमें करीबन 35,800 के आसपास जो रेजिस्टेंस है उसी के नजदीक जाके कल अटक गए थे, तो वही एक अहम लेवल होगा मेरे लिए और डाउन साइड पे 35,200 का सपोर्ट। तो दोनों ही इंडाइसेस जो है मुझे लग रहा है बहुत रेंज बाउंड है। स्टॉक स्पेसिफिक होना एक बेटर रणनीति इस मार्केट में होनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक तो प्रशांत को भी लगता है कि मार्केट में बुलिशनेस है। प्रशांत का पोर्टफोलियो दिखाइए। ये देखिए प्रशांत का पोर्टफोलियो, सुमितोमो, प्रॉफिट बुकिंग, गुजरात अंबुजा होल्ड और एग्जिट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से। क्या नया ऐड कर रहे हैं प्रशांत आप? जी मेरा सबसे पहला पोजीशन आज जो मैं ऐड करूंगा वो एक कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूम्स के साथ पिकअप हो रहा है, वो है अडानी टोटल गैस, करीबन 2810-15 के रेंज में चल रहा है। मैं इसको स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा, 2700 का पोजिशनल ट्रेड होगा। मुझे लग रहा है ये जो पूरी कंसोलिडेशन की डेप्थ थी वो रेप्लीकेट होगी और हमें करीबन 3200 तक के टारगेट इसमें पोजिशनली दिख सकते हैं। तो ये मेरा पिक होगा आज के लिए। टारगेट होगा 3200 रुपए। अडानी टोटल में 2816 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 3.5% ऊपर और यहाँ से जो ऊपर की रेंज इनको दिख रही है वो 3200 की प्रशांत को। तो ये इनका एडिशन है।